आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग को कुछ YouTube के बारे में बताना चाहता हूँ। सेफ शॉप के बारे में तो मैं रोज़ बताता हूँ, इसीलिए आज मैं ड्रेस में नहीं हूँ और शायद उस लुकअप में नहीं हूँ जिस लुकअप में मैं आप लोगों को रोज़ मिलता हूँ। तो आज YouTube पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मेरा चैनल है जिसका नाम है DS मानवेंद्र सेफ शॉप। 17,000 के आसपास ये जो है इसके सब्सक्राइबर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये चैनल है ये लॉकडाउन में बना हुआ था। लॉकडाउन में चैनल किसी ने मुझे मोटिवेट किया था यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। तो जो है उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैंने ये चैनल बनाया और उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे अंदर करेक्ट किया, अच्छाइयों को बताया, बुराइयों को बताया। तो उन सब चीज़ों को मैंने जो है यहाँ पे ग्रो होने के लिए मैंने उन सब चीज़ों को सीखा और जो चीज़ें सही नहीं थी उसे डिलीट किया। आज ये चैनल, ये जो ट्यूटोरियल है, ये बनाने का मेरा पर्पज़ ये है, मेरा जो उद्देश्य ये है, आप लोग को कुछ बताना मैं चाहता हूँ कि आज से लॉकडाउन में जब चैनल बना था तो मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बहुत ज़्यादा मैं जानता नहीं था। थोड़ा सा सीखता था टाइम निकाल करके और सीखते सीखते मेरा ये चैनल है, ये 1,000 इस पर सब्सक्राइबर हो गए, 4,000 घंटे वॉच टाइम हो गया इस पर। तो ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया और मैं यहाँ से फिर पैसे भी अर्न करने लगा। यूट्यूब से जब भी पैसा आता है 8,000 से ऊपर ही आता है, आप ऐसे कह सकते हैं। अंदाजन मेरा जो पहला पेमेंट आया था वो 8,500 के आसपास में आया था और आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये चैनल था अच्छे से चल रहा था। लेकिन बाद में ये मेरा चैनल आज से 2 महीने पहले डीमोनेटाइज कर दिया गया। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में यही बात करेंगे कि एक चैनल जिसपे 17,000 सब्सक्राइबर हैं और वो चैनल अच्छे से खासा चल रहा था, मोनेटाइज था, पैसा आ रहा था, बाद में मैंने क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया। वो गलतियां अगर आपके पास इस तरह का चैनल है या आप अगर चैनल बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो गलती ना करें जो मैंने की। तो आज के इस ट्यूटोरियल में यही हम बात करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं पूरे प्रोसेस का। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई 2020 से पहले 21 जून 2023 को जो है भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलर और उनके द्वारा बनाए गए नेटवर्क्स के लिए नया एक विधान जारी किया है, नया एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके बेसिस पे ये प्लान मैंने तैयार किया है। आप लोग इसे जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा और जिसे भी शेयर करना चाहते हैं शेयर करिएगा। इसमें लेटेस्ट प्लान में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स का जो PDF है बहुत ही शानदार है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज क्यों हो गया। तो दोस्तों, अज्ञानता एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको शुरू में तो नुकसान नहीं देती है लेकिन बाद में बहुत बड़ा नुकसान देती है, ये मैं मानता हूँ और प्रैक्टिकल में मैं विश्वास रखता हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखा, वीडियोस मैं खुद बनाता था, कभी दूसरे का वीडियो ले लेता था और दूसरे सर लोग की वीडियो उठा करके डाउनलोड करता था, फिर उसे अपलोड करता था, डाउनलोड करता था, अपलोड करता था, उसी में मैं अपना भी वीडियो डालता था। तो मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी कि मैं जो दूसरे का जो वीडियो था वो डाउनलोड करके इस पर अपलोड करता था, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, दोनों ही वीडियो अगर आप अपने चैनल पे अगर आप अपलोड करते हैं, जब वो अगर दोबारा अगर आप उसे डाउनलोड करके दोबारा आप YouTube पे डालेंगे तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, मोनेटाइज कर दिया जाएगा, डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप इसे प्लीज़ बंद कर दें कि सर लोग का जो वीडियो है अपने चैनल पे डाल करके अगर आप अपना सोच रहे हैं कि सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ जाएगा तो गलत है, आपको झटका लग जाएगा कभी ना कभी। और दूसरी जो गलती थी ये थी कि मेरी जैसे कभी भी मैं ये सोचता था कि फेसबुक से उठा लीजिए या इंस्टाग्राम से उठा लीजिए, तो वहाँ से भी आप उठाएंगे तो भी आपको रीयूज कंटेंट का आपको वार्निंग आ जाएगा, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ से पैसे आएंगे, लेकिन आप लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो जब भी कुछ भी करने की सोचिए तो किसी व्यक्ति को देख के तो कीजिए, डिसीजन लीजिए, लेकिन जब करने की शुरुआत कीजिए तो अपना आगे पीछा देख लीजिए, अपना फाइनेंशियल, अपना सोशल, अपना फैमिली बैकग्राउंड वगैरह देख लीजिए, अपना एजुकेशन वगैरह देख लीजिए, शुरुआत कीजिए और एक पक्के इरादे के साथ आप शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो समाज में आप मजाक बन जाएंगे। तो ये चीज़ें थी और इस वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ था, यही मैंने बताना आपको सही समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बना चुके हैं
और दूसरे मैं देखता रहता हूँ छोटे मोटे जो चैनल हैं 1,000, 2,000, 5,000, 9,000, 8,000 वाले दूसरे का वीडियो अपने चैनल पे डाल लेते हैं। एक दो सर लोग की जो चैनल है, जो सर लोग का जो चैनल है, जैसे बहुत बड़े बड़े जो सर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सर लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उनके पास DVR होती है तो वो अपने ही चैनल पे डालते हैं, तो सर लोग के पास नहीं आएगा। और सर लोग किसी का भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे लोग हैं, अगर हम लोग उनके चैनल पे जा कर के डाउनलोड कर लें वीडियो और अपलोड कर दें अपने यहाँ, तो हम लोग को वो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक दें या ना दें, लेकिन जो YouTube है वो रीयूज कंटेंट का जो है वार्निंग दे देता है, डिमोनेटाइज कर देता है, यहाँ लफड़ा हो जाता है। तो मैं यही अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों से कहना चाहता हूँ, साथियों से कहना चाहता हूँ कि YouTube पे जब भी काम करिएगा तो ये सोच के करिएगा कि पहली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक आपको खुद का कंटेंट बनाना पड़ेगा, खुद का फेस दिखाना पड़ेगा, खुद की आवाज़ दिखानी पड़ेगी, तभी YouTube पे आपको काम करने में मज़ा आएगा, नाम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी और साथ ही साथ पैसा मिलेगा। तो कैसा लगा ये आप लोग को ट्यूटोरियल, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और एक अपील मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग YouTube पे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने मेरा Facebook पेज DS मानवेंद्र सेबशा पर आप उसे फॉलो नहीं किए हैं तो आप जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो मैं YouTube पे अपलोड नहीं कर सकता, Facebook पे अपलोड कर सकता हूँ। तो आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।